अरे बच्चों नमस्कार, आप सभी का मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैं सोनू जांगड़ा फिजिक्स फैकल्टी मॉडर्न स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो है हम लोग अपनी अपनी कक्षाओं में नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मॉडर्न स्कूल जो है लगातार पिछले 2 महीने से आप सभी के लिए ऑनलाइन कंटेंट जो है उपलब्ध करवा रहा है। हमारी जो हार्ड वर्किंग फैकल्टी है वो लगातार आप सभी को समय समय पर असाइनमेंट्स, वर्कशीट और आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का सॉल्यूशंस दे रही हैं, और लगातार आपको हर रोज आपका जो सिलेबस है वो करवा रही है ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन कक्षा के साथ साथ में हम लोग अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ से वंचित रह पा रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल्स नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अपनी लैब्स में नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो है एक छोटा सा प्रयास मैंने करने की कोशिश की है कि अपने घर में रह के और घर के जो आसपास जो हम लोग जो भी सामान हमको अवेलेबल होता है अपने घर में, नॉर्मली सबके घर में जो सामान होता है उन सब सामान से, मतलब जो आपके घरेलू जो चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों से हम लोग कुछ एक्टिविटी फिजिक्स से रिलेटेड जो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के ट्रांसफ़र की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और मैंने थोड़ी सी कोशिश की है ये एक्टिविटी परफॉर्म करने की, तो आशा है आप लोग सभी लोगों को ये अच्छी लगेगी। अरे बच्चों नमस्कार, सबसे पहली जो एक्टिविटी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारे पास में, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कुछ कटे हुए बाल, यहाँ पे मेरे पास हेयर्स हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने इस पेपर पे बहुत सारे बाल जो हैं मैंने काट के रख दिए हैं, ठीक है, ये हेयर्स हैं आपके, ठीक है। और अब मेरे पास में है एक प्लास्टिक की, यहाँ पे स्पून बोल सकता हूँ, प्लास्टिक के कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास है प्लास्टिक का और भी मटेरियल्स हैं, ये प्लास्टिक एक स्ट्रो है, और यहाँ पे प्लास्टिक का एक पेन है मेरे पास में, और ये आपका कोम्ब है, ठीक है ना। तो कोम्ब का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग जनरली हर बच्चा जो है वो 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में सीख लेता है कि कागज़ के टुकड़े से अगर हम लोग कोम्ब को अगर लेके जाते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो खेल है ये किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए मेरे पास में जो स्पून है, इस स्पून के अंदर जो आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उस हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल नंबर में होते हैं, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होने से टोटल चार्ज जो है इसके ऊपर हो जाता है 0, ठीक है ना। तो इस वक्त जो है इस स्पून पे है 0 चार्ज। तो अभी जो है मैं इस स्पून को इन हेयर्स के पास लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी आपको किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्शन का खेल नहीं दिखेगा, क्योंकि इस स्पून पर फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं है। तो जो प्लास्टिक जो होता है वो एक डाइलेक्ट्रिक होता है आप सब जानते हैं, और डायलेक्ट्रिक्स को चार्ज करने का जो तरीका होता है वो होता है रबिंग का, यानी अगर मैं इस स्पून को थोड़ा सा रब करता हूँ किसी दूसरे मटेरियल के साथ में तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी दूसरे मटेरियल में। तो एक बार चेक करते हैं कि इस स्पून को मैं रब करता हूँ और इसको रब करने के लिए मैं जो दूसरा मटेरियल ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ क्लोथ आपका, ठीक है। तो मेरे पास एक टॉवल है, घर में टॉवल अवेलेबल था, तो टॉवल को जो है मैं इसके साथ में रब कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं टॉवल को रब करूँगा इसके साथ में तो देखें क्या होगा, जैसे ही टॉवल को रब करते हैं तो टॉवल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो इस स्पून में आ जाएंगे या हो सकता है कि स्पून के इलेक्ट्रॉन्स निकल के टॉवल में चले जाएंगे। तो मैं इसको कुछ देर रब करता हूँ। एक बात अपने को ध्यान रखनी है, जिस जगह से आप रब कर रहे हो उसी जगह से जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं इस स्पून को जो है कुछ देर के लिए रब कर रहा हूँ। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, रबिंग से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉडी कहलाती है चार्ज्ड बॉडी। तो ये देखिए मैंने रब कर लिया है, मेरे पास जो स्पून है अब ये चार्ज हो गई है। इससे पहले जब मैं इनको बालों के पास लेके गया था तो कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा था, अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जब मैं इस स्पून को इसके पास लेके जाता हूँ तो आपको हेयर्स में और इस स्पून में एक अट्रैक्शन दिखेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बहुत ही कम विजुलाइज होगा, आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए जैसे ही मैं पास लेके जाता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं जैसे कि आपके हेयर्स जो हैं वो जो हैं इस स्पून से चिपक गए हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा पास ला के दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से जो है हेयर्स जो है इस स्पून के साथ में चिपक गए हैं, बहुत सारे इसके साथ चिपक भी गए हैं, ठीक है। ये लीजिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस स्पून के ऊपर बहुत सारे हेयर्स जो हैं इसके ऊपर चिपक गए हैं, देखिए ये सब जो है ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे
इस स्पून में एक प्रकार का चार्ज जनरेट हो गया था, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल से आप इसको रब कर रहे हैं। लेकिन इतना है कि इन हेयर्स के अंदर और इस स्पून के अंदर जो है वो अपोजिट पोलरिटी का चार्ज है। अगर हम लोग स्पून के ऊपर बाई कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे तो इन हेयर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, दैट्स वाई दे कैन बी अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। अगर दोनों पे चार्ज सिमिलर होगा तो अट्रैक्शन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो ये है आपका पहला पहली जो एक्टिविटी आपकी चार्ज बाई रबिंग, ठीक है ना। मैंने रब करके चार्ज किया है, आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल लीजिए, उसको किसी भी कपड़े से, टॉवल हो या फिर आपका जो आपकी टी शर्ट है उसे भी रब कर सकते हैं आप। और रब करने के बाद में क्या करेंगे, उसको बालों के पास लेके जाएंगे तो आपको एक अट्रैक्शन वहाँ पे फील होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस बार आपका बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिए बहुत सारे जो हेयर्स हैं इसके फिर से चिपक गए हैं। तो ये है आपका चार्ज बाई रबिंग, ठीक है। अब एक सेकंड एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। ये दूसरी एक्टिविटी क्या है, इसमें हमारे पास में एक स्ट्रो है, ठीक है। ये हमारे पास में एक स्ट्रो है और इस स्ट्रो के को हम लोग क्या करते हैं, पहले चार्ज करेंगे और इस स्ट्रो को हम लोग इस बोतल के ऊपर रखेंगे। ये एक बोतल है और इस बोतल के ऊपर यहाँ पे इसको रखेंगे ताकि ये इसके ऊपर से गिरे नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहले हम इसको चार्ज कर लेते हैं। तो चार्ज कैसे करते हैं, आप क्लोथ लेते हैं, क्लोथ के ऊपर क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। तो मैंने इसको रब कर दिया है क्लोथ के ऊपर, ये आपका टॉवल है, टॉवल्स के मैंने इसको रब किया। रब करने से क्या हो गया, मेरी जो स्ट्रो है वो क्या हो गई, चार्ज हो गई है। और अब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, ये लीजिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है ताकि ये यहाँ से गिरे नहीं, ठीक है। तो ये लीजिए, ठीक है, तो मैंने स्ट्रो को यहाँ पे रख दिया है। अच्छा, अब देखिए, आप जैसे इसको देख पा रहे हैं, ये लीजिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक सबसे पहले हम लोग लेते हैं पैन, प्लास्टिक का जो पैन होता है इसको हम लोग चार्ज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चार्ज करके देखते हैं प्लास्टिक के पैन को टॉवल के साथ में, ठीक है ना। तो प्लास्टिक का जो पैन है उसको मैं टॉवल के साथ में क्या करता हूँ, रब करता हूँ, ठीक है ना। टॉवल के साथ में क्या करता हूँ, रब करता हूँ। तो मैंने प्लास्टिक के पैन को टॉवल के साथ में रब कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लास्टिक का जो पैन है वो उस पर कौन सी पोलरिटी आती है, ठीक है ना। अगर इस प्लास्टिक के पैन से ये स्ट्रो जो है रिपेल होती है, इसका मतलब दोनों पे सेम पोलरिटी है। और अगर ये अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब इस दोनों पे अपोजिट पोलरिटी है, ठीक है। तो मैंने जो सबसे पहले इसको इस स्ट्रो के एक एंड पे लेके जा रहा हूँ, तो देखिए जैसे ही मैं इसके एक एंड पे लेके जाऊँगा तो क्या होगा, इसमें या तो अट्रैक्शन होना चाहिए या रिपल्सन होना चाहिए। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको इस एंड के पास लेके जा रहा हूँ, मेरी स्ट्रो घूमना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही मैं इस पैन को इसके पास लेके जाता हूँ तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, देखिए ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम उसको इस तरफ से करेंगे तो क्या हो रहा है, फिर से इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों पे जो है अपोजिट पोलरिटी आई हुई है। अगर आपके स्ट्रो पे पॉजिटिव चार्ज है तो आपके प्लास्टिक के पैन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी दूसरी एक्टिविटी। अब एक काम करते हैं, ये जो सेम प्रोसेस है हम लोग जो है अपने कॉम्ब के साथ करते हैं और अपनी स्पून के साथ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले फिर से क्या करते हैं, हमारी जो स्ट्रो है उसको ले लेते हैं और उसे स्ट्रो को जो है चार्ज करते हैं फिर से, क्योंकि एक बार जब बॉडी जो है दूसरी बॉडी से टच हो जाती है तो फिर से वो अनचार्ज हो जाती है, ठीक है। तो मैंने जो है इसको फिर से चार्ज कर लिया है स्ट्रो को, और स्ट्रो को चार्ज करने के बाद मैंने इसको रखा है कहाँ पे, इस बोतल के बिल्कुल ऊपर रखा है। बोतल के ऊपर मैंने रख दिया। अब क्या करते हैं, मेरे पास में कॉम्ब है, ठीक है ना। अब कॉम्ब को जो है फिर से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो कॉम्ब को मैं उसी क्लोथ के साथ में रब कर रहा हूँ और इसको चार्ज कर रहा हूँ, देखते हैं कि इससे क्या होता है। अब मैंने कॉम्ब को रब कर लिया है, अब हमारा जो कॉम्ब है वो भी चार्ज हो गया है और स्ट्रो है वो भी चार्ज है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, जैसे मैं कॉम्ब को इसके पास लेके जा रहा हूँ, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, देखिए ये देखिए ना। अब देखो, गलती से जो है आपका कॉम्ब जो है वो टच हो गया था इसके साथ में, तो आपकी वापस जो है दोनों ही बॉडी अनचार्ज हो गई है। अब इफेक्ट कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये इफेक्ट आपको कम देखने को मिलेगा। तो इस साइड से आपकी बॉडी अनचार्ज हो गई थी, इस साइड से आपका इफेक्ट अभी दिख रहा है, देखिए। ये देखिए, जैसे इसके पास लेके जाता हूँ तो इसमें अट्रैक्शन होता है, वापस लेते इधर से तो इधर अट्रैक्ट होगा, ये देखिए, ठीक है ना। इसका मतलब कॉम्ब और स्ट्रो के बीच में जो है अपोजिट पोलरिटी का चार्ज है,
ठीक है ना भाई, प्लास्टिक का जो पेन यूज किया था हमने उसमें और स्ट्रो में सेम पोलरिटी थी, उससे क्या हो रहा था आपका रिपल्सन हो रहा था, ठीक है ना। ये दूसरे वाला एक्सपेरिमेंट है। सेम एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ इस स्पून के साथ में, स्पून को भी मैं रब कर लेता हूँ टॉवल के साथ में और चेक करते हैं कि स्पून जो है इस स्ट्रो को अट्रैक्ट करती है, रब करती है, रिपेल करती है। देखिए मैंने इस स्ट्रो को भी क्या कर लिया है, चार्ज कर लिया है और इस स्पून को भी चार्ज कर लिया है, ठीक है ना। अब इसको पास लेके जाते हैं, देखते क्या होता है। देखिए ये देखिए इसे दूर भाग रही है, ठीक है ना। वही आपका जो कोम का एक्सपेरिमेंट था उसमें वो इसकी तरफ जा रही थी लेकिन अभी इसे दूर भाग रही है। जैसे मैं इसके पास लेके जाता हूँ तो इससे ये दूर भागती है। साइड वाले एंगल से देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पे लेके जाता हूँ तो दूर भागती है, इससे यहाँ पे करता हूँ तो इधर भागेगी, इधर करता हूँ तो इससे रिपेल होगी, ठीक है ना। यहाँ पे करता हूँ तो इधर भागेगी, देखिए रिपेल हो रही है इससे। चाहे कहीं से भी आप करके देख लीजिए, इसमें रिपल्सन ही होगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है ना। दोनों बॉडीज को मैंने रब किया है और उसके बाद में मैंने इनको पास में लेके गया तो मुझे पता चला कि दोनों बॉडी चार्ज हुए। दोबारा चार्ज कर लिया रब करने के बाद में, ये लीजिए ये मेरी स्ट्रो हो गई और मैंने स्ट्रो को रब किया और अब मैं इसको वापस रख देता हूँ अपने उसी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। देखिए ये लीजिए स्ट्रो मैंने रख दी है। अब मैं इसको अपने हाथों को पास लेके जाता हूँ, देखिए अब यहाँ पे जो आपको रिपल्सन और अट्रैक्शन का खेल दिखेगा, ये देखिए जैसे मैं इसको हाथ पास लेके जाता हूँ तो मेरे हाथों की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना। ये देखिए इधर करता हूँ तो वापस आएगी, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं अट्रैक्शन हो रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है ना। यानी अब जो है ये स्ट्रो जो है उस पर अपोजिट पोलरिटी है मेरे हाथों से, ठीक है ना। अगर मेरे हाथ पे पॉजिटिव चार्ज है तो स्ट्रो पे जो है वो आपका कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। ये देखिए अगर मैं इधर हाथ करता हूँ तो मेरी तरफ आएगा ये, और अगर इधर करता हूँ तो इधर मूव कर, ठीक है ना। ठीक है ना, इसको मैं घुमा सकता हूँ ऐसे फोर्स, क्योंकि फोर्स जो अट्रैक्शन का फोर्स है और आपकी जो स्ट्रो है वो बोतल के ऊपर रखी हुई है तो उससे वो घूमती रहेगी। ये देखिए ये सब अट्रैक्शन का खेल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं किसी दूसरी बॉडी से रब करके, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये था आपका दूसरे नंबर की एक्टिविटी। अब हम लोग अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इस बार जो है मैंने क्या लिया है, कोम्ब लिया है और मेरे पास में बहुत सारी छोटी छोटी थर्मोकोल की बॉल्स हैं। थर्मोकोल आप जानते हो कि थर्मोकोल की जो बॉल्स होती है छोटी छोटी, वो मैंने ली है यहाँ पे बहुत सारी। ये काफ़ी ज़्यादा हल्की भी होती है, यानी अगर आप चार्ज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो बॉडी जितनी हल्की होंगी उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा भारी बॉडी होने पर आपका ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है काम करने लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी बॉल्स ली हैं और मैंने इन बॉल्स को जब उसमें से थर्मोकोल में से निकाला था तो मेरे हाथों से रब होकर ये चार्ज ऑलरेडी हैं। मेरे पास में एक कोम्ब है यहाँ पे और कोम्ब को मैं चार्ज कर लेता हूँ। देखिए मैंने कोम्ब को जो है इस कपड़े से रब किया है, क्लोथ से रब किया है और जैसे ही मैं इनके पास लेके जाऊँ तो देखते हैं कि अट्रैक्शन होता है रिपल्सन होता है, ठीक है। अगर अट्रैक्शन होता है तो मतलब इन दोनों पे अपोजिट पोलरिटी है। तो मान लीजिए कि कोम्ब पे पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये इससे अट्रैक्ट होती हैं तो इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, ये देखिए ये देखिए, आपने देखा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा और भी अच्छे तरीके से आपको ये फील हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने जो थर्मोकोल की बॉल्स लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा हल्की बॉल है। जितनी ज़्यादा बॉडी हल्की होगी तो आपको एक्सपेरिमेंट उतना ही अच्छा और सही तरीके से देख पाओगे, ठीक है। तो ये भी एक अलग एक्टिविटी थी जिसको आप अपने घर पे कर सकते। आज हम लोग लास्ट एक्टिविटी करते हैं आज की। मेरे पास में एक छोटी सी स्ट्रिप है प्लास्टिक की जिसको हम लोग स्ट्रो बोल सकते हैं और इस स्ट्रो को मैंने चार्ज कर लिया है, ठीक है। कपड़े से रब करके मैंने इसको चार्ज किया है। अब मैं इस स्ट्रो के पास में लेके आता हूँ क्या, देखिए मेरे पास में ग्लास है और ग्लास के अंदर छोटा सा होल है इसके बॉटम पे और इस ग्लास में मैं डाल रहा हूँ वाटर, ठीक है। इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैं पानी डालता हूँ तो नीचे जो होल था बॉटम वाला उसमें से पानी जो है नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है और वाटर की जो स्ट्रीम है बिल्कुल स्ट्रेट है। अब मैं इसके पास में चार्ज स्ट्रिप लेके जाता हूँ, चार्ज स्ट्रो लेके जाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए जैसे मैं इसके पास लेके जाता हूँ तो वाटर जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी चार्ज की वजह से, जो वाटर है वो चार्ज्ड है और हमारी जो स्ट्रिप है वो भी क्या है, चार्ज है। तो इसकी वजह से दोनों में अपोजिट चार्ज है, उस वजह से यहाँ पे हो रहा है अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये देखिए तो ये भी एक एक्टिविटी है चार्ज की ही, चार्ज की वजह से ही जो वाटर जो है इसकी तरफ मुड़ जाता है। तो ये नॉर्मल जो एक्टिविटी जो है आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं, छोटी छोटी साइंस की एक्टिविटी है
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और एक्टिविटी के साथ में हाजिर होंगे, और ये चार्ज के इंडक्शन और कंडक्शन की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर एक्टिविटी थी। आई होप आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मेरी जितनी कोशिश मेरी तरफ से रहेगी, अगली वीडियो में हम लोग और अच्छी अच्छी एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न परिवार जो है आपके साथ है, और आपके हर संभव आपके प्रैक्टिकल्स, आपके असाइनमेंट्स, आपकी वर्कशीट और आपकी हर प्रकार से मदद करने में तत्पर हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।